दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीईओ अजय स्टॉक मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 19 जुलाई सन 2023। दोस्तों मसाले एवं ड्राई फ्रूट्स पर देश का पहला चैनल जो लगातार आपको अपडेट और विश्लेषण देता है। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। गौरतलब है लगभग 3.5-4 महीने पहले हमने हल्दी पर आपको अग्रिम विश्लेषण देते हुए कहा था कि हल्दी जो पिछले 2011 से लगातार पिटाई खा रही है और हल्दी के अंदर इस साल लोगों की चमक बढ़ सकती है और हल्दी के अंदर जो व्यापारी और किसान पिछले लगभग 7 साल से परेशान हो रहे हैं, जिनके पास कैरी फॉरवर्ड स्टॉक लगातार बढ़ता चला जा रहा है और कोल्ड स्टोरेज के अंदर जिन्होंने 5-5, 4-4 साल से हल्दी रखी हुई है और किसान इसमें बिल्कुल विमुख हो गए हैं, इसमें इस बार शानदार तेजी बन सकती है। गौरतलब है कि साल 2010 के अंदर जो हल्दी के अंदर तेजी दिखाई दी थी, उस तेजी को देखने के लिए किसान और व्यापारी तरस गए हैं। गौरतलब है साल 2010 के अंदर हमने आपको 2009 में अग्रिम विश्लेषण देते हुए कहा था कि साल 2010 हल्दी के लिए जाना जा सकता है और हल्दी उस समय साल 2010 के अंदर लगभग 170 रुपये प्रति किलो के भाव तक ऊँचे उसके देखे गए थे। तो दोस्तों हल्दी के अंदर खबर निकल के आ रही है कि हल्दी के पहले हम भाव चर्चा करेंगे और फिर हल्दी की आगे सूचनाएं। हल्दी के भाव सांगली के अंदर अभी 300 रुपए अधिक तेज बताए जा रहे हैं और यदि हल्दी राजापुरी देखें तो 11,000 से 13,800 के आसपास है। देसी करपा 11,000 से 11,500 और गट्टा 9,800 से 10,800 के भाव हैं। ये खबर सांगली से निकल के आ रही है। यदि नादेड़ की बात करें तो वहाँ भी हल्दी में 300 रुपए की तेजी दर्ज हो रही है। हल्दी कड़ी 10,500 से 12,800 और गट्टा 10,000 से 11,500 के बीच में भाव बताया जा रहा है। और आगे हम चर्चा करते हैं NCDX के वायदे बाजार के अंदर भी हल्दी के अंदर तेजी दर्ज हो रही है। ये अगस्त वायदा 12,274 और अक्टूबर वायदा 13,010 रुपए बताया जा रहा है और लगभग अगस्त वायदे के अंदर 124 रुपए और अक्टूबर वायदा 218 रुपए तेजी के साथ ट्रेड हो रहा है। अब हम चर्चा करेंगे हल्दी उत्पादक क्षेत्रों में मानसून की क्या गतिविधि है। गौरतलब है कि खबर निकल के आ रही है कि हल्दी के उत्पादक क्षेत्रों में बारिश की कमी व बिजाई रफ्तार धीमी पड़ने से भाव 13 साल के उच्चतम स्तर पर जा पहुंचे हैं। हालांकि आज गौरतलब है कि तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हल्दी की प्रमुख बिजाई होती है, वहां पर बिजाई क्षेत्र घटने के समाचार हैं। बिजाई गत वर्ष के मुकाबले में 65 से 70% अभी रहने की आशंका है, लेकिन जैसे ही मानसून में प्रगति होगी इसके अंदर बढ़ने की भी संभावना बनेगी। केवल हल्दी नहीं, जीरा, धनिया, अजवाइन की कीमतें भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। हल्दी के अंदर भी शानदार तेजी दर्ज हुई है और ये 13 साल का उच्चतम भाव हाजिर व वायदे बाजारों में देखा जा रहा है। जीरा साथ साथ नई फसल फरवरी से मार्च में आएगी और सप्लाई लगभग 70 लाख बोरी के आसपास है, जबकि डिमांड इससे कहीं अधिक 80 लाख बोरी के आसपास हो सकती है। इंटरनेशनल यदि हम हल्दी उत्पादक जिलों की बात करें, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की, तो आपको पता लगेगा कि महाराष्ट्र के अंदर बगलकोट में 48% मानसून की स्थिति विकट है, बेलगांव में 69% माइनस है, हिंगोली के अंदर 68% माइनस है और बसमत में 68% माइनस है। सांगली के अंदर 69 यानी 69% और नादेड़ में 15% औसत से कम बरसात हो रही है। ये प्रमुख जिले जो महाराष्ट्र के हैं ये हल्दी के लिए जाने जाते हैं। तेलंगाना के अंदर निजामाबाद के अंदर अच्छी बरसात है, वहाँ पे +4% है और यदि हम और देखें जग्गायाल के अंदर -8% है। निर्मल के अंदर औसत बरसात नजर आ रही है और वारंगल के अंदर 24% कम बरसात है तेलंगाना में और महबूबनगर के अंदर 35% कम बरसात है। आंध्र प्रदेश के अंदर जो कि हल्दी का दुर्गिराल गुंटूर इलाके हैं वहाँ पे औसत से 9% अधिक बरसात है। अब हम चलते हैं आपको तमिलनाडु। तमिलनाडु ईरोड में 32% कम औसत से बरसात है, कोयम्बटूर के अंदर 23% कम बरसात है और सालेम के अंदर 17% कम बरसात है। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी हम हल्दी पर इसलिए लेके आए हैं ताकि हल्दी के ऊपर जो व्यापारी और किसान गण हमारे चैनल पे इस उम्मीद से आते हैं कि उनको सारी जानकारी एक जगह समान मिल जाएगी, उसके लिए हम वचनबद्ध हैं। दोस्तों याद रखना तेजी में जो तेजी का मुनाफा नहीं लेता है वो परेशान ही होता है।
कहा जाता है कि जब समय पर यदि आप मुनाफा नहीं लेते हैं और समय से पहले आप नहीं चेतते हैं तो आपको कोई नहीं जिता सकता। कहा जाता है कि समय से पहले जागिए, समय पे पहले सो जाइए, तो आप निश्चित रूप से हेल्दी और वेल्दी रहेंगे। ये व्यापार पे नियम हमेशा लगता है और ये पुराने बुजुर्ग भी कहते थे कि आप दिन उगने से पहले आप दुकान पर पहुँचो, काम पे पहुँचो और शाम ढलते ही अपने घर वापस आ जाओ और रात पे आप आराम करो। यही यदि नियम करोगे तो निश्चित रूप से है दोस्तों, अगले 2 महीने हल्दी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। जीरा, सौंफ, अजवाइन, मेथी, धनिया, यदि आप होलसेलर्स हैं, स्पाइस मार्केट में स्टॉकिस्ट हैं, हाजिर के अंदर अच्छा काम करते हैं तो हमारी विशेष रिपोर्ट आपको फायदा पहुंचा सकती है। अजवाइन, जीरा, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, इन सभी पर विशेष रिपोर्ट उपलब्ध है। दोस्तों ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।